हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। लेट अस डिस्कस द टॉपिक बी टू बी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो हियर आर द फ्यू टेबल कंटेंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो एज अ नेम सजेस्ट, बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग रेफर्स टू द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अदर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरह का एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम दूसरे बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते हैं। सो इट होल सर्वर की डिस्टिंग में कुछ डिफरेंस है इसका फ्रॉम बी टू सी, जिसे हम बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग बोलते हैं। सो एनी कंपनी जो भी अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस किसी और कंपनी को बेचती है उसे हम बी टू बी बोलते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सब्सक्रिप्शंस, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, टूल्स, एसेसरी, ऑफिस सप्लाई, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बी टू बी और बी टू सी अम्ब्रेला के अंदर आती है दोनों के। सो बी टू बी मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो एम्ड होते हैं एट इंडिविजुअल विद कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑन परचेजिंग डिसीजंस। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि बी टू बी और बी टू सी का क्या फ़र्क है। तो बी टू बी में मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं क्योंकि किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, बल्कि बी टू सी में सिर्फ वन बायर होता है, जैसे हमने बोला बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें कस्टमर का पूल छोटा होता है बी टू बी में, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, बट इसमें लार्ज पूल ऑफ कस्टमर, क्योंकि कस्टमर कितने सारे हो सकते हैं। बी टू बी में आर ओ आई बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट पे कितनी बार है, बल्कि आर ओ आई बी टू में कोई फैक्टर नहीं होता। बी टू बी में हमें ज़्यादा रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करना पड़ता है और बी टू सी में ब्रांड अवेयरनेस ही सबसे ज़्यादा है। बी टू बी में परचेजिंग डिसीजन जो होते हैं वो कलेक्टिवली होते हैं, जिसमें पूरा डिटेल कंटेंट चाहिए होता है, और बी टू सी में वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, मोस्टली इमोशनली होते हैं या इन्फ्लुएंसिंग होते हैं। बी टू बी प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंटली ब्रिंग अपडेटिंग मोर कंटेंट रिविजन, और बी टू सी में फ्यूअर प्रोडक्ट चेंजेस और उन्हें कंटेंट रिविजन की जरूरत नहीं होती है। सो लेट अस डिस्कस बी टू बी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहला है डिटरमाइन योर ब्रांड पोजिशनिंग। तो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको अपनी ब्रांड पोजिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सो दिस स्टेटमेंट इज द कौन, कब, कैसे, क्यों आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनेगा, और द वे किस तरह आपका ब्रांड लोगों की आंखों में दिखेगा या लोग उसे समझेंगे। देन देयर इज आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। तो अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बोला ये स्मॉलर पूल ऑफ कस्टमर होता है। तो कौन आपके ब्रांड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में रियली इंटरेस्टेड है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एक बेटर बायर पर्सोना बनाने में हेल्प करेगी, और किस तरह आपको अपने परचेज डिसीजंस वो लोग बनाते हैं बहुत ज़रूरी है। ये एक यूजफुल टूल है मार्केटिंग का, दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग का। सो देन देयर इज़ अ रन ए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो स्कोप आउट ऑफ द मार्केट देखिए, क्या बिजनेसेस जो मार्केटिंग में टारगेट कर रहे हैं आपकी ऑडियंस को उनके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के साथ। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की इंस्पेक्शन के दौरान कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या प्रोडक्ट ऑफरिंग है उनकी, उनके सेल टैक्टिक्स और रिजल्ट क्या है, और उनके कंटेंट एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है। देन देयर इज़ अ एक्सप्लोर मार्केटिंग चैनल टू यूज़। तो इन योर कम्पिटिटिव एनालिसिस आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स आपके कम्पिटिटिव यूज़ कर रहे हैं सक्सेसफुली, एंड द चैनल्स दे हैड नॉट टेकन एडवांटेज, आपको वो यूज़ करने हैं। देन देयर इज एक्सप्लोर मार्केटिंग चैनल्स टू यूज़, जो हमने भी ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको वो सक्सेसफुली वही वाले चैनल्स यूज़ करने हैं। देन देयर इज बी टू बी ईमेल मार्केटिंग, जो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो ईमेल मार्केटिंग एक ट्रायड एंड ट्रू मेथड है रीचिंग बोथ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड बिजनेस कस्टमर। तो आप कह सकते हैं 93% ऑफ द बी टू बी मार्केट यूज ईमेल, क्या आपको जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाइए, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर बी टू बी मार्केट अपनी ईमेल, अपनी लीड्स ईमेल के थ्रू ही आते हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, देन वो लीड्स में बदल जाते हैं, देन कस्टमर्स में। अब आप ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, मतलब बेस्ट तरीका क्या है? तो राइट इंटाइसिंग सब्जेक्ट लाइन्स। तो थिंक अबाउट योर ईमेल सब्जेक्ट लाइन एज अ नेटफ्लिक्स टेलर, कि इफ़ यू कांट हुक योर ऑडियंस विद अ 2 मिनट क्लिप, इस तरह से कुछ कि वो कैची हो, आप उसके साथ कंज्यूमर या जो भी जिसने भी खरीदना है वो अट्रैक्ट हो जाए, मतलब बिना पढ़े, मतलब ऐसे नहीं वो ओपन करना उसे ज़रूरी हो जाए, और उसे अपनी एक लाइन से कुछ समझ आ जाए कि क्या वो बेचना चाहते हैं। देन स्टिक टू वन कॉल टू एक्शन, जिसे हम CTA कहते हैं पर मेल। सो अगर आप सोचते हो कि नंबर ऑफ ईमेल्स यू रिसीव इज़ अ लॉट, देन लुक एट द CTA इन दोज ईमेल, सम आर पैक्ड विद 2, 3 एंड सम अप टू 10 डिफरेंट CTA। तो ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपके जो भी रिसिप्टम, जिसने भी आप मेल्स भेज रहे हो, वो पता है उन्हें कन्फ्यूजन ही हो जाए कि एक्चुअली वो क्या क्लिक करें,
और फिर एट द एंड बोले चलो ठीक कुछ नहीं करना है एंड क्लिक ऑन नथिंग। तो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक नहीं करनी है। सेगमेंट योर ईमेल टू रीच द मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब अपनी लिस्ट में जितने लोग हैं सबको ही मेल भेज देनी है। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बाय हो सकते हैं आपके सब्सक्राइबर या उनकी कोई डिफरेंट सोल्यूशन, उन्हें डिफरेंट चीज़ें चाहिए हो सकती है। तो आपने ऑडियंस देखनी है और कोशिश करना है कि रेलिवेंट ऑडियंस को ही जाए। देन मेक श्योर ये ई मेल डिज़ाइन आर रिस्पॉन्सिव। तो 80% ऑफ ई मेल यूजर जो एसेस देयर इनबॉक्स ऑन द फोन्स और ई मेल वहाँ पर करेक्टली नहीं दिखती है तो वो या तो डिलीट कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो उनमें से आपकी ई मेल ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कंटेंट जब एक बिजनेस यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए या टारगेट करने के लिए किसी ऑडियंस अदर बिजनेसेस को, उसे हम बिजनेस बी टू बी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। कंपनी जो अपने प्रोडक्ट सेल करती है, अपने सर्विसेज सेल करती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, टिपिकली ये बी टू बी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करती है। तो बहुत बड़ी दो एग्जाम्पल्स हैं बी टू बी मार्केटिंग की, एक monday.com एंड बी टू बी ब्रांड स्ट्रेटजी ऑन LinkedIn। थैंक यू फॉर लिसनिंग।